जय राम जी के दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, यही कामना है। आज हम एक बहुत ही जरूरी योग के बारे में चर्चा करेंगे। योग का नाम है गुरु पुष्य योग। आज हम जानेंगे कि गुरु पुष्य योग होता क्या है, क्या फायदे हैं गुरु पुष्य योग के, और इस वर्ष गुरु पुष्य योग हमारा कब कब आएगा। सबसे पहले आरंभ करते हैं कि गुरु पुष्य योग है क्या। लेकिन उससे पहले जो जातक मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी उन तक पहुंच सके, और लाइक करें, शेयर करें। गुरु पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य योग है क्या? गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो इस योग को हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। यह बहुत ही अच्छा और शुभ योग है, बहुत ही ज़्यादा शुभ योग है। इस योग पर किया गया कोई भी कार्य कभी भी विफल नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। अगर आपका कोई कार्य फंसा हुआ है, कोई कार्य रुका हुआ है और आप चाहते हो कि वो आपका ना फंसे, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो, तो इस योग को ध्यान में रखें और इस योग पर कार्य अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा प्रभु की कृपा से। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरु पुष्य योग हमारा 2019 में कब कब है। कॉपी पेन उठा लें और कृपया नोट करें। ध्यान रहे, ये योग बहुत ही शुभ है, हर प्रकार के शुभ कार्यों में आपको फल प्रदान करेगा, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। सबसे पहला जो योग है वो 6 जून को आपका आरंभ होता है। 6 जून को पहला गुरु पुष्य योग है। फिर उसके बाद आपका आता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को आपका गुरु पुष्य योग है। उसके बाद 1 अगस्त को भी आपका गुरु पुष्य योग है। उसके बाद आपका पड़ेगा 2020 में 2 अप्रैल को गुरु पुष्य योग, 2020 में। अभी जो 3 योग मैंने इससे पहले बताए वो 2019 के हैं। अब 2020 में जो पहला योग पड़ेगा वो आपका 2 अप्रैल 2020 को पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा 30 अप्रैल 2020 को गुरु पुष्य योग आएगा। इसके बाद के जो 2020 के गुरु पुष्य योग आएंगे वो हमारा जब 2020 में नववर्ष आरंभ होगा तब मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। ये गुरु पुष्य योग हमारे हिंदू नववर्ष के हिसाब से मैंने आपको बताए हैं, इसीलिए ये पांचों जो गुरु पुष्य योग आपके पड़ते हैं इस वर्ष में हमारे, उनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो आपका बचा हुआ है और आपका पूर्ण नहीं हो रहा, इस योग पर करें, आपको बहुत ही शुभ और अच्छे फल प्राप्त होंगे। जो बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा, एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको जो परेशान कर रही है, इस योग पर करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा, प्रभु की कृपा पर अवश्य बनेगी। इसी के साथ विदा लेते हैं और जल्द ही बहुत अच्छी जानकारी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।